नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी विषय में हमारा जो व्याकरण विभाग है उस व्याकरण विभाग में विशेषण वह आज हम पढ़ेंगे। पहले हम विशेषण की परिभाषा देखते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उन्हें विशेषण कहा जाता है। कि जो शब्द है वह संज्ञा या सर्वनाम उसकी जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे विशेष्य। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है कि घोड़ा तेज भागता है, तो उसमें तेज क्या है, वह उसका विशेषण है। पर किस कौन तेज भागता है, तो वह घोड़ा है, तो घोड़ा क्या है, वह उसका विशेष्य है। तो यहाँ पर जो संज्ञा हो या सर्वनाम उसकी जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे कि कविता बहुत अच्छी लड़की है, अच्छी अच्छी क्या है, वह उसके वह एक गुण है। कि विशेषण मतलब जो रूप गुण दोष यह जो बताते हैं, जिस संज्ञा जो शब्दार्थ है उस शब्दार्थ की संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं। विशेषता में हम कह सकते हैं इसकी रूप होता है, रूप आ जाता है, गुण आ जाता है, दोष आ जाता है, यह सब उसकी विशेषता कही जाती है। तो यह जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पर जो कविता है बहुत अच्छी लड़की है, यहाँ जो अच्छी है वह उसका विशेषण है, और कविता है वह क्या है, विशेष्य है। कि कविता बहुत अच्छी लड़की है मतलब कि कविता की यह कविता की विशेषता यहाँ बताई गई है। तो हम पहले विशेषण के भेद देखते हैं कि विशेषण के चार प्रकार हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। के इन चार उसके प्रकार है वह बताए गए हैं। पहले हम गुणवाचक विशेषण देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष आकार स्थान रंग काल दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। कि कोई पण शब्द हो या शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु, कोई भी व्यक्ति हो या फिर वस्तु हो, उसके गुण दोष आकार स्थान रंग काल दशा यह सब का बोध कराता हो, उसके गुण बताते हो, तो उसे विशेषण कहा जाते हैं। जैसे कि तलवार की धार तेज है, यह उसका गुण है। तलवार की धार कैसी है, तो तेज है। तो यहाँ तेज क्या है, वह उसका गुणवाचक विशेषण है, उसकी गुण बताए गए हैं, तो वह तेज क्या है, वह विशेषण है। जैसे कि नया ठेकेदार ईमानदार था, ईमानदार ठेकेदार कैसा है, उसके गुण बताया गया है यहाँ पर। तो यह जो ठेकेदार है वह ईमानदार था, यहाँ पर उसका गुण बताया गया है, इसीलिए गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। दूसरा लेते हैं संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता हो, जिसमें संख्या बताई गई हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर ने कुछ मरीजों की जांच की, मेरे पास 10 किताबें हैं, तो यहाँ पर उसके संख्या बताई गई। संख्यावाचक जो विशेषण है उसके दो प्रकार हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। कि एक डॉक्टर ने कुछ मरीजों की जांच की, यहाँ कुछ यह संख्या नहीं बताई गई है, मेरे पास 10 किताबें हैं, यहाँ पर संख्या निश्चित है। तो इसके भी दो प्रकार है, वह हम देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार है, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, कि कुछ उसकी संख्या निश्चित है, तो उसे हम क्या कहेंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि राहुल 8वीं कक्षा में पढ़ता है, यह क्या है, निश्चित है कि राहुल है वह 8वीं ही कक्षा में,
यहाँ संख्या क्या बताई गई है? निश्चित, वैसे ही कि टोकरी में चार आम है, यहाँ पर कहा नहीं गया कि टोकरी में कुछ आम है, तो क्या बन जाएगा वह? अनिश्चित बन जाएगा। पर टोकरी में चार आम है मतलब कि यहाँ निश्चित है टोकरी में चार ही आम है, यहाँ पर उसकी संख्या एक निश्चित में बताई गई है, इसीलिए हम इसे निश्चित संख्यावाचक सर्व विशेषण है वह कहेंगे। आगे का देखते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जिन विशेषणों में निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। कि जिन विशेषणों में संख्या का बोध नहीं, निश्चित संख्या का, कि जैसे कि हम निश्चित में देखा कि चार आम है, उसमें आम चार ही थे तो वह निश्चित है, पर यहाँ पर हम देखते हैं मेरे पास कुछ किताबें हैं, कितनी है वह निश्चित नहीं है, वह कुछ किताबें हैं मतलब कि यहाँ कोई निश्चित नहीं है, कुछ यानी कि ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, कुछ किताबें हैं मतलब कि मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो यहाँ कुछ है वह क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक, तो इसे क्या कहेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। किताबें, किताबें वह विशेष्य है, क्या है कि कुछ किताबें हैं, कुछ है वह उसका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। फिर आता है मैदान पर थोड़े ही बच्चे हैं, कि मैदान पर थोड़े ही बच्चे कितने हैं? थोड़े ही मतलब कि यहाँ पर कुछ संख्या नहीं बताई गई है, हाँ बच्चे हैं वह थोड़े ही है पर संख्या में नहीं है, कि निश्चित संख्या में नहीं, यहाँ पर मैदान पर थोड़े ही बच्चे हैं यानी कि वह अनिश्चित मात्रा में है, अनिश्चित यहाँ पर संख्या है वह बताई गई, इसीलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। आगे का देखते हैं, फिर आता है परिमाणवाचक विशेषण, यह उसका तीसरा प्रकार है। कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो देखते हैं उसकी परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा बताता हूँ, नाप तोल का बोध कराता हूँ, तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि 2 किलो आटा दो, यह क्या है? 2 किलो आटा दो मतलब कि यहाँ उसका नाप तोल किया गया है, वह किलो है उसका नाप तोल किया गया, उसकी मात्रा बताई गई है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। यह 1 लीटर दूध है, यह 1 लीटर दूध है मतलब कि यहाँ पर 1 लीटर यह उसका नाप मात्रा है वह बताई गई है, उसका लीटर की मात्रा कितनी है? 1 लीटर की मतलब कि यहाँ पर उसकी मात्रा है वह बताई गई। इसके भी दो भेद है, जैसे कि हमने संख्यावाचक विशेषण के देखे थे वैसे ही इसके भी परिमाणवाचक विशेषण के भी दो प्रकार हैं, जैसे कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यह भी दो भागों में बांटा गया है, दो प्रकार उसके हैं। पहले हम देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिससे कि डिब्बे में 1 किलो दाल है, यहाँ पर बताया गया है कि डिब्बे में कितनी दाल है, तो निश्चित है कि 1 किलो, यहाँ पर जो डिब्बा है उसमें 1 किलो दाल है, कि यहाँ पर उसकी निश्चित संख्या बताई गई है, इसीलिए इसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। वैसे ही बाजार से मैंने 4 मीटर कपड़ा लिया, कि हमने कपड़ा लिया पर कितना लिया? 4 मीटर, कि यह निश्चितता में बताया गया है कि बाजार से हमने जो कपड़ा लिया है वह 4 मीटर कपड़ा है, यह उसका निश्चित संख्या में निश्चित में उसकी जो मात्रा है वह बताई गई है। कि हम ऐसा अगर कहते कि बाजार से मैंने कपड़ा लिया पर कितना लिया वह नहीं बताया गया, मैंने बाजार से थोड़ा सा कपड़ा लिया ऐसा कहते तो वह अनिश्चित बन जाता है, तो वैसे ही कि यहाँ पर उसकी निश्चितता है वह बताई जाती है। आगे का हम देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कि जिस शब्द हो संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का, कि उसमें निश्चितता नहीं, उसकी अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे कि तुम थोड़ा पानी पी लो, कितना पानी पी लो वह नहीं बताया, तुम थोड़ा पानी पी लो, मतलब कि यहाँ पर अनिश्चितता बताई गई है। जैसे कि बाजार से कुछ चावल ले लो, बाजार से कितने चावल लेने हैं वह नहीं बताया, किलो 2 किलो कितने चावल लेने हैं पर वह नहीं बताया, मतलब कि यहाँ कुछ चावल ले लो, मतलब कि यहाँ पर अनिश्चितता बताई गई है, उसका मात्रा नहीं बताई गई, तो यह क्या बन जाता है, अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहा जाता है। आगे का हम देखते हैं सार्वनामिक विशेषण, यह उसका चौथा प्रकार है। कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं वह उसकी परिभाषा देखते हैं। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, कि जो सर्वनाम है वह विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का प्रथम आया, सार्वनामिक विशेषण, वह क्या है, सर्वनाम है, कि नाम के बदले जो हम जिसका प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। वह लड़का प्रथम आया, वह का हम ऐसा भी कह सकते थे कि राहुल प्रथम आया, तो वह एक नाम है, पर यहाँ पर नाम के बदले हमने क्या लिया, वह, तो वह लड़का प्रथम आया, मतलब कि यह सर्वनाम है, इसीलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। वह लड़का प्रथम आया, यह तोता बोलता है, यह क्या है, वह सर्वनाम है, यह सर्वनाम है, कि वह यह तोता बोलता है, तो मतलब कि उसके सर्वनाम, मतलब कि सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक, कि सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने इस वीडियो में हमने देखा कि विशेषण किसे कहा जाते हैं, कि विशेषण के प्रकार कितने हैं। तो यह सब आपको बताया गया है विद्यार्थी मित्रों। यहाँ पर आपको यह जो वीडियो है उस वीडियो में आपको अपने जो गृह कार्य है इस गृह कार्य में विशेषण के प्रकार, उसकी परिभाषा और इसके जो उदाहरण दिए गए हैं उसके अलावा भी आपको यह उदाहरण तो लिखने हैं, उसके साथ साथ इसके अलावा दो और भी उदाहरण है वह अपनी नोटबुक में नोंद करने हैं और लिखने हैं।